बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है कि हमने रेड हैट लिनक्स को इंस्टॉल किस तरह करना है। आइए प्रैक्टिकली तौर पर इम्प्लीमेंट करते हैं थ्रू वर्चुअल बॉक्स। वर्चुअल बॉक्स ओपन किया, न्यू, नेक्स्ट, रेड हैट, 512 MB रैम, लोकेशन हम उसको देंगे जो कि हमने पार्टीशन इसके लिए सिलेक्ट की है। साइज हम इनको देते हैं 4 GB। नेक्स्ट, फिनिश। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट। ये हमारा मीडिया सोर्स है, क्योंकि हमारे पास आप मीडिया आपके पास जो है आप हार्ड डिस्क में भी आप रख सकते हैं बैकअप और सीडी से भी। नेक्स्ट, फिनिश। यहाँ पे हम टेक्स्ट मोड पे इंस्टॉलेशन करेंगे, लिनक्स टेक्स्ट लिख के इंटर का बटन प्रेस करेंगे। ये कुछ मैसेजेस आपको सिर्फ वर्चुअल बॉक्स के थ्रू पे आएंगे। ये आपसे पूछ रहा है कि सीडी मीडिया जो है उसको चेक करना है, इसमें कोई एरर तो नहीं है, इसको हमने स्किप करना है। अब एनाकोंडा रनिंग हालत में है। ओके, इंग्लिश, यूएस कीबोर्ड, इंस्टॉलेशन का नंबर आपके पास नहीं है तो फ़िलहाल इसको स्किप कर दीजिए, इसको भी स्किप। ये अब कह रहा है कि पार्टीशन टेबल बनानी है ऑन डिवाइस एसडीए। हम इसको पार्टीशन बनाएंगे। अब हम यहाँ पे हम आएंगे क्रिएट कस्टम लेआउट एसडीए के लिए। ओके, फ्री स्पेस हमारे पास है 4 GB। सबसे पहले हम माउंटिंग पॉइंट, रूट, इसकी फाइल सिस्टम EXE3 और इसका साइज हम रख लेते हैं 2 GB। ओके कर देंगे। उसके बाद फिर हम स्वैप बनाएंगे, इधर स्वैप लिखेंगे। यहाँ पे फाइल सिस्टम हम स्वैप को सिलेक्ट करेंगे। हमारी रैम 512 है, हम इसको डबल करेंगे 1000। ओके, बाकी पार्टीशन हम बाद में करेंगे। ओके का बटन प्रेस कर देंगे। अब यहाँ पे हमें क्या ज़रूरत होगी, यूज़ करप बूट लोडर। ओके का बटन प्रेस कर देंगे। यहाँ पे भी हम बूट लोडर कॉन्फ़िगरेशन हमें ख़ास नहीं करनी, हम इसको ओके कर देते हैं। बूट लोडर की ज़रूरत नहीं है, पासवर्ड की ज़रूरत नहीं है, ओके कर देते हैं। अब ये जो है रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स सर्वर जो है वो /dev/sda1 में इंस्टॉल होगा। ओके, अब यहाँ पे बात आती है कि हम MBR से इसको बूट लोड करें या फिर हम इसको पार्टीशन से बूट लोड करें जहाँ पे ये लिनक्स जो है इंस्टॉल होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे /dev/sda1 फर्स्ट सेक्टर ऑफ द बूट पार्टीशन। ओके का बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पे आपसे नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन फॉर ETH0 मांग रहा है। ETH0 का हम इसको जो इसने इनेबल किया हम सारे कहते हैं ओके। उसके बाद ऑटोमेटिकली ये DHCP से उठाए। ओके, घड़ी हमें चाहिए तो हम एशिया में कराची को सिलेक्ट करेंगे। ओके, पासवर्ड 3 करेक्टर हमें देने होंगे। ओके, अब ये इंस्टॉलेशन रिट्रीव कर रहा है। अब जो है हमने सिलेक्शन करनी है सॉफ्टवेयर की। हम यहाँ पे कुछ सॉफ्टवेयर सेलेक्ट करेंगे ताकि हम सिर्फ समझ लें। ये ग्राफिक्स जो है इसमें ज़्यादा है, ग्राफिक्स को इतनी इम्पोर्टेंस अभी फ़िलहाल नहीं देंगे।
ओके। अब ये चेक इन डिपेंडेंसी इन पैकेज सिलेक्टेड फॉर इंस्टॉलेशन करेगा। यहाँ पे जितने ज़्यादा पैकेजेस यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा इंस्टॉलेशन पर टाइम लेगा, और जितने कम पैकेजेस हम यूज़ करेंगे उतना इंस्टॉलेशन बहुत क्विकली होगा। इंशाल्लाह ये 5 मिनट के अंदर अंदर इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी होगी। डियर स्टूडेंट्स, हमने मेन ये करना होता है कि हम इंस्टॉलेशन करने के बाद जो बाकी पैकेजेस हैं वो RPM जो पैकेजेस हैं वो हम बाद में इंस्टॉल करें। वो उससे हमें सीखने को बहुत मिलता है, यानी कि बनिस्बत इससे कि यहाँ पे हम DNS भी बना लें, यहीं पे हम FTP भी कॉन्फ़िगर कर लें, यहीं से हम जो है DHCP भी कॉन्फ़िगर कर लें, तो ये सर्वर्स हैं ये हम बाद में इंस्टॉल हैं इसको हम इंस्टॉल पढ़ेंगे। अब ये कहता है कि कंप्लीट अ लॉग फॉर योर इंस्टॉलेशन विल बी इन /root/install/log। बिल्कुल यहीं पे इसको कर दें। अब ये फाइल फॉर्मेटिंग हो रही है। अब ये इंस्टॉल जो है स्टार्टिंग हो रही है। डियर स्टूडेंट्स, मेरी कोशिश है कि मैं कम्प्लीटली आपको जो है जो मेन इसका जो इंस्टॉलेशन का पर्पज़ है टेक्स्ट मोड के ज़रिए, ग्राफिकल मोड में इजी है, यही सारे स्टेप्स करने होते हैं, लेकिन टेक्स्ट मोड में आसान है और टेक्स्ट मोड में ज़रा जल्दी हो जाता है। और आपको ग्राफिकल मोड से टेक्स्ट मोड में इंस्टॉल करने का, लिनक्स को इंस्टॉल करने का मज़ा भी आता है, और जितना आप टेक्स्ट मोड में अपने आप को यूज़ टू करेंगे स्पेशली लिनक्स में, उतने जो हैं आपकी परफेक्शन होगी लिनक्स में। अभी टोटल 3 मिनट्स हो गए हैं कि 3 मिनट्स में ये 58% तक पहुंच चुका है। टोटल पैकेजेस हैं 363, कंप्लीटेड 273, और रिमेनिंग जो हैं वो आपके पास 87 हैं। अब ये कर्नल इंस्टॉल हो रहा है, द कोर ऑफ द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स, ये पैकेज के नेम हैं, उनके साइजेस हैं, और ये समरी है। डियर स्टूडेंट, आप इंस्टॉलेशन देख रहे हैं, वेलकम टू रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स सर्वर। देखिए 4GB में, 4GB के अंदर अंदर आपकी लिनक्स इंस्टॉल हो रही है, और ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है, बूट लोडर हो रहा है। अब हम इसको रीबूट करेंगे। थ्री टू वन जीरो, और ये डियर स्टूडेंट्स
रेड हैट लिनक्स सर्वर एंटरप्राइज एडिशन जो है इंस्टॉल हो चुकी है, अभी बूट हो रहा है। ये कोई चीज़ की चेकिंग कर रहा है यहाँ पे। डियर स्टूडेंट, जो ओके ओके की ऑप्शन आ रही है, इसका मतलब है कि किसी फाइल में कोई करप्शन नहीं है। अगर यहाँ पे फेल्ड आ जाए, ओके की जगह फेल्ड आए, तो यहाँ किसी फाइल में कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर है। ये सिलेक्ट दी आइटम डैट यू विश टू मॉडिफाई करना चाहते हैं, हम अभी कुछ मॉडिफाई नहीं करेंगे, इसको एग्जिट कर देंगे। और ये लोकल होस्ट लॉगिन में हम यहाँ पे यूज़र नेम लिखेंगे रूट, इसका पासवर्ड हम इसको टाइप करेंगे। और ये नाज़रीन डियर स्टूडेंट्स, ये अब हम जो हैं रूट में इन हो चुके हैं। अगर हम एक कमांड अप्लाई करना चाहते हैं fdisk -l, यहाँ पर देखें /dev/sta1 बूट स्टैरिक, स्टैरिक का मतलब है ये बूट यहाँ से होगा स्टार्ट वन, ठीक है, लाइनक्स किया। और दूसरी हमारे पास 256 जो है स्टार्ट है, ठीक है जी, यहाँ पे हमारे पास लाइनक्स का है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था इंस्टॉलेशन ऑफ लाइनक्स एंटरप्राइज एडिशन लाइनक्स सर्वर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम मज़ीद इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।